नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और टाटा AIG में, दोनों कंपनियों में क्या कंपैरिजन है, दोनों कंपनी के जो प्लान्स हैं जो आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं इन कंपनियों से, दोनों प्लान में क्या सिमिलरिटी है, बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह वीडियो आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट देती हैं, दोनों कंपनियों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है वो आईसीआईसीआई और फेयरफैक्स फाइनेंस का कॉम्बिनेशन है, दोनों कंपनियां मिलकर इंडिया में काम करती हैं जनरल इंश्योरेंस का। ऐसे ही बात करते हैं टाटा की, तो टाटा और AIG ये दोनों कंपनी मिलकर इंडिया में काम करती हैं, जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और टाटा AIG तो इंडियन कंपनियाँ हैं और फेयरफैक्स और AIG बाहर की कंपनियाँ हैं। तो दोनों कंपनियों का कोलैबोरेशन है, दोनों ही कंपनियां कोलैबोरेशन में काम करती हैं, अकेले काम नहीं करती। बात करते हैं कैशलेस की। तो दोस्तों कैशलेस अगर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो लगभग 12,000 से ज़्यादा आपको कैशलेस मिल जाता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया। और दोस्तों ये जो मैं 12,000 बता रहा हूँ ये सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है, ये टू व्हीलर के लिए, गाड़ियों के लिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए, मतलब उनका जो ऑल इंडिया टाइप है वो लगभग 12,000 शोरूम टाइप है। बात करते हैं टाटा AIG की, तो टाटा AIG का टाइप यहाँ पर 7,500 से ज़्यादा सर्विस सेंटर से है, मतलब सिटीज में तो बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, मतलब दूर दराज के गांव एरिए में गांव में आपको ये मिल सकता है, लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं भी आपको ये अवेलेबल होगा। बात करते हैं जीरो डेप की, तो जीरो डेप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपको 7 साल तक देता है, वहीं टाटा AIG की बात करते हैं तो टाटा AIG भी आपको 7 साल के लिए देता है, लेकिन कंडीशन ये है कि 5वें या 6वें साल में आप क्लेम लोगे तो कोई भी कंपनी दोनों में से आपको जीरो डेप नहीं देगी, अगर NCB होगा तो ही आपको वहाँ पर जीरो डेप मिलेगा। बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, 97% आईसीआईसीआई का है, 98% यहाँ पर टाटा AIG का है। बात करते हैं कवरेज की, तो कवरेज भी लगभग सेम है, कॉम्प्रेंसिव पॉलिसी आप ले सकते हैं, थर्ड पार्टी पॉलिसी ले सकते हैं, ऑन डैमेज पॉलिसी ले सकते हैं, यही आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से ले सकते हैं और यही आप टाटा AIG से भी परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं एडॉन की, तो एडॉन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, या बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 कवर आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन टाटा AIG में वो नहीं मिलेंगे। बात करते हैं जीरो डेप कंज्यूमेबल इंजन कवर RTI, ये आपको टाटा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी मिल रहे हैं, ये आपको टाटा में भी मिल रहे हैं। बात करते हैं टायर की, पर्सनल बिलोंगिंग की, गैरेज कैश कवर की, तो यहाँ पर भी टायर कवर आपको मिल रहा है, पर्सनल बिलोंगिंग आपको मिल रहा है, और उसके अलावा डेली अलाउंस भी मिल रहा है आपको, ये गैरेज कवर के जैसा ही है, गैरेज कवर डेली अलाउंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बात करते हैं की रिप्लेसमेंट की, NCB प्रोटेक्शन की, तो ये दोनों भी टाटा में आपको मिल रहे हैं, NCB प्रोटेक्शन में मिल रहा है, की रिप्लेसमेंट मिल रहा है, EMI प्रोटेक्शन आपको सिर्फ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मिलता है, टाटा AIG में नहीं मिलता। बात करते हैं पे एज यू ड्राइव की, मतलब आपको अगर आपकी गाड़ी कम चलती है तो आपको थोड़ा प्रीमियम कम देना होगा उन लोगों की अपेक्षा जो लोग गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो जितना लिमिट सेट किया हुआ है उतना तक आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा सालाना और लोगों की अपेक्षा, तो यहाँ आप पे एज यू ड्राइव ले सकते हैं, लेकिन टाटा में पे एज यू ड्राइव अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं PA कवर, ड्राइवर कवर, पैसेंजर कवर, तो वो आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मिल जाएगा, वो आपको टाटा AIG में भी मिल जाएगा। तो मतलब मोटा मोटा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है PA यू ड्राइव का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मिल रहा है, टाटा में नहीं मिल रहा है, EMI प्रोटेक्शन का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मिल रहा है, टाटा में नहीं मिल रहा है, लेकिन टाटा में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंसेस, ये आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में नहीं मिलते, ये आपको मिलते हैं टाटा में, क्योंकि जब आपकी गाड़ी खराब होती है आप किसी और सिटी में हैं, अगर आप वहाँ रहते हैं रूम लेकर तो कंपनी आपको 5,000 रुपीज पे करती है, और अगर आप ट्रैवल करके कैब से आते हैं तो भी कंपनी आपको 5,000 रुपये साल में एक बार पे करती है क्लेम के लिए, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ मिलती है लेकिन वहाँ आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। उसके अलावा लगभग सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ डिफरेंस पे एज यू ड्राइव, EMI प्रोटेक्ट, और टाटा में आपको मिलेगा इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंस, तो ये चीज़ आपको यहाँ दो चीज़ आपको एक्स्ट्रा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मिल रही है, वहीं अगर टाटा की बात करते हैं तो एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रही है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर दोनों में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर ऑफ क्लेम्स के बारे में कि दोनों कंपनियों को कितना कितना क्लेम देती हैं। तो दोस्तों अगर कंप्रेहेंसिव पॉलिसी आप ले रहे हैं तो दोनों में अनलिमिटेड क्लेम है, जितना मर्जी क्लेम आप साल में ले सकते हो, 2 बार 4 बार 6 बार जो भी शेयरिंग रहेगा वो दोनों का आपका रहेगा, कंपनी का जो परसेंटेज होगा कंपनी पे करेगी आपको, आपका जो परसेंटेज रहेगा आप पे करेंगे उसे। यहाँ पर बात करते हैं अगर आप जीरो डेप पॉलिसी ले रहे हैं, चाहे वो टाटा AIG हो चाहे वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो, आपको दोनों ही कंपनियाँ दो क्लेम ऑफर करती हैं, आप दो क्लेम तक जीरो डेप ले सकते हैं। अगर आप तीसरा क्लेम ले रहे हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लेम ही मिलेगा और शेयरिंग बेसिस पे आपको वहाँ पे करना पड़ेगा।
सालवे चार्जेस की बात करते हैं तो सालवे चार्जेस आपको आईसीसी लोमार में लगते हैं 5%, लेकिन वहीं अगर टाटा एजी की बात करें तो टाटा एजी में सालवे चार्जेस बिल्कुल निल है, बिल्कुल जीरो है, कोई भी सालवे चार्जेस कंपनी आपसे चार्ज नहीं करती है। बात करते हैं फाइल चार्ज की, तो फाइल चार्ज आपका लगेगा 1000 रुपये अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से कम है। वहीं अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से ज़्यादा है तो फिर आपका लगेगा 2000 रुपये। तो फाइल चार्ज आपका दोनों में सेम लग रहा है। बात करते हैं सीएनजी की, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, तीनों ही कंडीशन में जो भी आपको ऐड कराना है, मान लीजिए आप सीएनजी ऐड कराते हैं, अगर कंपनी से सीएनजी लगी हुई है तो आपको ऐड कराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए जब भी आप सीएनजी अपनी गाड़ी में ऐड कराते हैं तो जो भी सीएनजी की वैल्यू होती है या फिर इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, तीनों में से कुछ भी चीज़ आप अपनी गाड़ी में ऐड कराते हैं, अगर ऐड नहीं कराएंगे तो कंपनी वैसे भी क्लेम आपको नहीं देगी, लेकिन अगर आप ऐड कराएंगे तो ही आपको क्लेम मिलेगा। अब जब भी आप ऐड कराएंगे तो उसमें क्या चार्जेस लगेंगे, वो लगेंगे 4% ऑफ वैल्यू, जितना उसका इनवॉइस होगा, जितना उसका बिल होगा, उसका 4% का आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर सीएनजी की वैल्यू है 40,000 रुपये, 40,000 का आपने सीएनजी लगवाया, 40,000 का आपका पक्का बिल है, तो फिर वहाँ पर 1600 रुपये 4% के आसपास आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। वहीं इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो फिर अगर मान लीजिए 1,00,000 रुपये आपकी वैल्यू है इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल की, तो वहाँ पर 4,000 रुपये, मतलब एग्जाम्पल के लिए, ऐसा नहीं है कि 1,00,000 ही होगी, आपके मान लीजिए 20,000 रुपये की वैल्यू है नॉन इलेक्ट्रिकल की या इलेक्ट्रिकल, तो वहाँ पर आपका 4% के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, 20,000 रुपये का 4% बनेगा 800 रुपये, तो वो आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो दोनों ही कंपनियों में आपका सेम है, 4% यहाँ कंपनी आपसे चार्ज करेगी, 4% ही आपको चार्ज करेगी। बात करते हैं एनसीबी की, तो अप टू 50% आपको एनसीबी मिलने वाला है दोनों ही कंपनियों में। आईआरडी का नियम है इसमें, इसमें कंपनियों का कोई रोल नहीं है, ये हर साल आपको मिलता रहता है, पहले साल 0, फिर मिलेगा आपको 20%, फिर तीसरे साल आपको मिलेगा 25%, फिर 35%, फिर 45%, फिर 50%, मैक्सिमम 50%। अगर 50% के ऊपर भी आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो 50% ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये कंपनी का नियम नहीं है, ये आईआरडीए का नियम है, तो यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे। जैसे आप क्लेम लेंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा, फिर दोबारा से 0 से स्टार्ट होगा। बात करते हैं कि जब पॉलिसी आप करा लेते हैं तो कंपनियाँ क्या क्या चीज़ें कवर्ड करती हैं, किन किन चीज़ों में आपको कंपनियाँ क्लेम देंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सीडेंट की, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो कंपनी आपको क्लेम देगी, दोनों ही कंपनी आपको क्लेम वहाँ पर देगी। नेचुरल कैलेमिटीज अगर कोई होती है, आपकी गाड़ी पानी में चली जाती है, बाढ़ की वजह से आपको नुकसान होता है, या कोई पहाड़ टूट गया, आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो वहाँ आपको डैमेज हो गया, मतलब कोई भी नेचुरल चीज़ है जिनकी वजह से आपको नुकसान होता है, तो कंपनी वहाँ पर लायबल है और दोनों ही कंपनियाँ आपको यहाँ पर पे भी करती हैं। बात करते हैं थेफ्ट की, गाड़ी आपकी चोरी हो जाती है तो कंपनी आपको आपकी आईडी के हिसाब से या फिर आपने रिटर्न टू इनवॉइस लिया हुआ है उसके हिसाब से कंपनी आपको उतना पैसा पे करती है। वही चीज़ एप्लीकेबल है फायर में, यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी में आग लग जाती है तो कंपनी आपको पूरा का पूरा अमाउंट जो भी आपकी आईडी वैल्यू का होगा वो आपको पे करेगी, या फिर आपका जो भी रिटर्न टू इनवॉइस का इनवॉइस होगा वो कंपनी आपको पे करेगी, जितने की आपने गाड़ी ली है, अगर आपने आरटीआई लिया हुआ है तो कंपनी वहाँ पर आपको उतना अमाउंट पे करेगी। तो ये चीज़ें कंपनी दोनों ही कवर करेंगी। अब बात करते हैं कंपनियाँ कवर क्या नहीं करती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं वियर एंड टियर की, तो कंपनियाँ वियर एंड टियर कवर नहीं करती हैं, जो भी छोटे मोटे स्क्रैचेस डेली रूटीन में आपके लगते रहते हैं, आप ट्रैवल करते हैं छोटी छोटी चीज़ें लगती रहती हैं, तो वो कंपनियाँ कवर नहीं करती। ड्रिंक एंड ड्राइव, अगर आप ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं तो कंपनी आपको कवर नहीं करेगी, सारा खर्चा आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी कंपनी कवर नहीं करती, मैकेनिकल ब्रेकडाउन आपको खुद ही कोई खर्च अगर कोई दिक्कत आती है आपकी गाड़ी में तो आपको खुद ही पे करना पड़ेगा, वो सिर्फ इन चीज़ों में पे करेगी, मैकेनिकल्स में कुछ भी पे नहीं करेगी, अगर एक्सीडेंट होगा तो ही पे करेगी। बात करते हैं विदाउट लाइसेंस, गाड़ी आप चला रहे हो बिना लाइसेंस के, या फिर आपकी उम्र 18 साल से कम है, या फिर आपका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है, तो कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करने वाली है। बात करें लॉस ड्यू टू वॉर और न्यूक्लियर रिस्क, अगर कोई लड़ाई चल रही है, कोई वॉर चल रही है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई गाड़ी डैमेज होती है, तो कंपनी पे नहीं करेगी, या फिर कोई न्यूक्लियर रिस्क अगर है तो वहाँ पर भी कंपनी लायबल नहीं है, कंपनी चाहे तो पे कर सकती है और कंपनी चाहे तो पे नहीं करेगी, ये पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, तो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करते हैं तो कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करने वाली, तो दोनों ही कंडीशन में आप देखिए दोनों ही कंपनियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस मिलेगा आपको सिर्फ एक डिफरेंस मिलेगा, वो मिलेगा सालवे चार्जेस का, सालवे चार्जेस आपको आईसीसी लोमार्ड में लगते हैं 5% और यहाँ लगते हैं टाटा एजी में निल, तो यही आपको डिफरेंस मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है सालवे चार्जेस का, ये भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में क्लेम आया 2,00,000 रुपये का और वहाँ आपकी गाड़ी का पार्ट चेंज हुआ करीब 1,50,000 रुपये का,
और 50,000 रुपये के आसपास खर्चा है लेबर का। तो जो 1.5 लाख रुपये का पार्ट चेंज हुआ है उस पर आपका 5% लगता है और लगभग 7,500 के आसपास आपको वहाँ देना पड़ेगा अगर कंपनी आपसे 5% चार्ज करती है तो। लेकिन अगर टाटा से पॉलिसी लेते हैं तो टाटा से पॉलिसी लेने पे आपको सिर्फ फाइल चार्ज देना पड़ रहा है, उसके अलावा कोई चार्जेज नहीं है। चाहे कितना ही बिल आए आपको वहाँ पर 5% साल्वेज नहीं देना है। यहाँ आपको 5% भी देना है और यहाँ आपका 1,000 रुपये का फाइल चार्ज भी लगेगा, 2,000 का फाइल चार्ज भी लगेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ 1,000 लगेगा या साल्वेज का चार्जेस नहीं लगेगा। ये कंपनी आपको नील भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि लेगी। अगर कुछ सर्वेर होते हैं वो आप उनसे बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो उसको फ्री भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं करते। तो वहाँ आपके लिए अच्छा है कि आप टाटा AIG से पॉलिसी लें, यहाँ आपको साल्वेज चार्जेज नील लगने वाले हैं और आपको पूरे साल कोई दिक्कत नहीं आती है। टाटा AIG नंबर 1 कंपनी है इंडिया में, तो अगर नंबर 1 है तो कुछ ना कुछ टाटा ने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से नंबर 1 है। थोड़े से इसके सर्विस सेंटर मैं मानता हूँ कम है ICICI लोम्बार्ड से या और कंपनियों से, लेकिन जो इसकी सर्विस है वो टॉप नॉच है, बेहतरीन कंपनी है टाटा AIG। आप टाटा AIG से इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन ICICI लोम्बार्ड भी कम नहीं है, किसी भी तरीके से ICICI लोम्बार्ड कम नहीं है। आप चाहे तो ICICI लोम्बार्ड से भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। दोनों कंपनी से इंश्योरेंस कराने से पहले सबसे पहले अपने सर्विस सेंटर में कॉल करें, कॉल करके उनको पूछो कि आपके यहाँ कौन सी कंपनी कैशलेस है और दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस कराने पर आपके यहाँ से बेहतर सर्विस मिलेगी, तो वो आपको बता देंगे वे आपको किस कंपनी से इंश्योरेंस कराना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं सपोर्ट की, कि अगर आपने पॉलिसी ले ली है तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसमें क्या करें। तो दोस्तों कंपनी का कस्टमर केयर ICICI लोम्बार्ड का 1800-2666, वही अगर टाटा AIG की बात करें तो 1800-2666-7780। कंपनी की पॉलिसी लेने के बाद आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई इंडोर्समेंट कराना है या और कोई चीज़ है, तो आप उसके लिए कंपनी के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। कंपनी की ईमेल आईडी है customersupport@icicilomba.com, वहीं टाटा AIG की है customersupport@tataag.com। तो कंपनी के कस्टमर केयर पर ईमेल भी कर सकते हैं और कंपनी को कॉल भी कर सकते हैं। बात करें उसके अलावा कंपनी की वेबसाइट की, तो icicilomba.com ICICI की वेबसाइट है, वही tataag.com टाटा की वेबसाइट है। दोनों वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती तो आप कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ पर भी चीज़ें समझ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो था आज का टाटा AIG और ICICI लोम्बार्ड के कंपेरिजन को लेकर। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।